हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाउईटेबल्स इन अर्पिताज किचन। मैं हूं अर्पिता और आज आपके लिए लेकर आई हूं डलगोना कॉफ़ी की रेसिपी, जो कि इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो आज हम भी बनाने वाले हैं डलगोना कॉफ़ी। तो चलिए आइए, आप भी मेरे साथ मिलकर इसको बनाइए। डलगोना कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और अभी इसमें डालेंगे कॉफ़ी। तो ये मैं देखिए 2 चम्मच कॉफ़ी डाल रही हूँ और जिस चम्मच से मैंने कॉफ़ी ली है उसी चम्मच से मैं अभी चीनी इसमें डाल रही हूँ। तो ये 3 चम्मच चीनी मैं डाल रही हूँ। अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है तो आप यहाँ 4 चम्मच भी कर सकते हैं, अगर हार्ड कॉफ़ी नहीं पीनी है ज़्यादा तो। और अभी इसमें पानी डालेंगे, तो पानी हमें इसमें गर्म लेना है। तो ये मैं गर्म पानी डाल रही हूँ 2 से 2.5 चम्मच और अभी इसको कर देंगे मिक्स। और अभी हमें कॉफ़ी को अच्छे से बीट करना है, तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं या फिर चम्मच से भी कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं जैसे क्रीम व्हिप करते हैं तो उसी से कर रही हूँ और इसको अच्छे से व्हिप कर लेंगे। जैसे क्रीम को व्हिप करते हैं ना, एकदम उसी तरह से इसके उसी फॉर्म में मतलब इसको हमें लेकर आना है। तो काफ़ी देर तक इसको करना है। बीट करते करते ना इसका कलर एंड टेक्स्चर चेंज होता चला जाएगा। ये देखिए, अभी काफ़ी डार्क है, नहीं है, धीरे धीरे लाइट हो जाएगी काफ़ी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा थिक होने लगी है अभी और लाइट भी होने लगी है। और अभी ये देखिए काफ़ी लाइट हो चुकी है और काफ़ी थिक भी हो चुकी है कॉफ़ी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें ना स्टिफ पीक्स आने चाहिए, तो उससे पता चल जाएगा आपको कि एकदम थिक हो चुकी है। देखिए इस तरह से पीक्स आ रहे हैं ना, मीन्स कॉफ़ी एकदम रेडी हो चुकी है। तो बस अभी इसे एक जगह समेट लेते हैं स्पून की हेल्प से। इसे मिक्स करते हुए समेट लेंगे, जो साइड साइड में थोड़ा रह जाती है ना, तो वो सारा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितनी थिक हो चुकी है ना। तो अभी बस कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ग्लास लिया और उसमें मैं डाल रही हूँ आइस क्यूब्स। और अभी इसमें हम डाल देंगे ठंडा दूध। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है ना, तो दूध में पहले से आप चीनी डालकर रख सकते हैं, मैंने एकदम फीका लिया है। और देखिए इसके ऊपर से बस अपना ये कॉफ़ी का जो पेस्ट हमने बनाकर रेडी किया है इसको डालेंगे। और ये देखिए, आपने देखा ना कितने अच्छे से फ्लोट कर रहा था, ये नीचे नहीं बैठ रहा है। और बस इसको ना सारे में स्प्रेड कर दीजिए अच्छे से और ये आपकी कॉफ़ी बनकर बस रेडी हो चुकी है। और इसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, बट उसका कलर इतना दिखाई नहीं देता है ना इसमें, इसलिए मैंने ये कॉफ़ी पाउडर यूज़ किया है। तो आपको भी अगर ये कॉफ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।